और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में शराब घोटाले पर मचे घमासान के बीच केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि आपकी सरकार रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार है। बीजेपी ने पूछा कि शराब कारोबारियों पर केजरीवाल नरम क्यों है। बाकायदा चुनौती पेश की गई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कि केजरीवाल 24 घंटे के भीतर इस बात का जवाब दें कि आखिर 144 करोड़ रुपए फीस को माफ क्यों किया गया। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया, किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। यह सवाल देश की जनता बार बार पूछती है कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दिल क्यों? किसको कितना मिला, कैसे मिला, इसकी जड़ तक जाना ही होगा कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के, और अक्यूज नंबर वन मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी कमाई करो और चुप रहो। मनी ये है, घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना। इसी बीच बीजेपी के एक और नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। ये कहना एलजी साहब ने ऐसा लाया था और आज पुनः पीसी में मनीष सिसोदिया के द्वारा कहना कि दिस इज बेस्ट पॉलिसी। इफ दिस इज बेस्ट पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी, तो फिर जो आप और आपके सभी विधायक कह रहे थे कि 9,500 करोड़ की इसमें रेवेन्यू का हासिल होना है, वो मात्र 1,400 करोड़ क्यों हुआ? 9,500 करोड़ का इसलिए कि आपको याद रहे कि विस्की और वाइन की बिक्री क्रमशः 60% और 87% बढ़ गई। आप यह भी नहीं कह सकते कि इस कारण से बिक्री घट गई, बिक्री बढ़ गई 87% तक और रेवेन्यू घट गया 80%। हाउ इट इज पॉसिबल? 9,500 करोड़ के रेवेन्यू को दिखाकर मात्र 1,400 करोड़ देना, तो मैंने तो 8,000 करोड़ का ही हिसाब मांगा है, ये तो यहां पे 8,100 करोड़ और बढ़ गया है, 8,100 करोड़ है। और मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसे भ्रष्ट और अपराधी लोगों को, चाहे वो पद में कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बातों को, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करे, इस देश का कानून ऐसे लोगों को बख्श नहीं सकता है। और मेरा मानना है कि इसका डिटेल्स उनको देना चाहिए। यह मेरा डायलॉग नहीं है, कल भी जब मैं एक जगह बहस कर रहा था तब भी 9,500 करोड़ का आना था, आज भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा दिस इज बेस्ट पॉलिसी, देन रेवेन्यू कहां गया? 8,100 करोड़ के रेवेन्यू को किसको दिया आपने? शराब माफियाओं को बांट करके इससे कहीं और जाकर के आप कोई और काम किए हैं क्या? ये हमारा सवाल है। और निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे बिंदु थे जो अनुराग जी ने, आदेश जी ने कहे हैं, लेकिन हमें बार बार कहूंगा कि दिल्ली के महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गिरजाघर, गुरुद्वारे वाले, स्कूल वालों की हाय ने आपको ये कर्म किया है। और अभी आपका इससे भी बुरा होना है, क्योंकि अपराध करने वाले देश में कभी बच नहीं सकते। और हमें इस बात की
बहुत प्रसन्नता है कि जांच बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। मित्रों, आप एक एक करके माननीय अनुराग जी और दोनों नेताओं से कर सकते हैं। मेरा सर्वप्रथम आग्रह है अमित टाइम्स नाउ नव भारत। इन लोगों ने बहुत प्रयास पहले भी किए, 2019 में भी किए, उससे पहले भी किए, अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर था और भारत को आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली की शराब नीति शराब के ठेकेदारों ने बनाई कि शराब के ठेकेदारों की हितेशी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाई। अरविंद केजरीवाल जी का बायना हाथ लेफ्ट हैंड पहले ही जेल में है और दायना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया जी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। ये रेवड़ी और बेवड़ी की बात, आप पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की ये शराब नीति आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और पंजाब में सरकार आने के बाद एक के बाद दूसरी विकेट भ्रष्टाचार पर गिरना, दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का बोलबाला ये सामने दिखता है। और ये रेवड़ी की सरकार भी है और बेवड़ी की सरकार भी है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। आप जरा अपने टीवी चैनल्स पर या कभी फोन पर वापस मनीष सिसोदिया जी का चेहरा देखा, और पिछले 8 साल के अंदर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर देखा, उनका चेहरा दिखाता था कि चोर की दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो डर, भय कि भ्रष्टाचार के कारण सहमे हुए मनीष सिसोदिया जी पत्रकारों के प्रश्न भी सह नहीं पाए, उल्टे चोर उल्टे पांव चोर भागते नजर आए। आप देखिए ये एक एक परत इसकी खुलती जाएगी, ये जो अक्यूज्ड इसके अंदर सारे हैं वो भी अक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी और करप्शन के किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी, इनका पूरा चेहरा भ्रष्टाचार का देश की जनता ने देख लिया है, आहिस्ता आहिस्ता और बाहर आता जाएगा। पूनम देते थे, और अगर आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा अरे इसी वक्त की बात कर रहे हैं क्या वो, ऐसी वीडियो है मोदी जी की खुद की स्वयं की। तो सीबीआई वालों का कोई दोष नहीं है, अब केंद्र सरकार उन बिचारों के ऊपर दबाव बना रही है, उनको अच्छे से झाड़ पड़ रही है, और उनको बोला गया कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा, और उनको कहा गया है चाहे कुछ भी करो, पाताल में खोजो कहीं भी करो, कुछ ना कुछ ढूंढो कुछ ना कुछ लाओ। यह हालत है आज केंद्र सरकार की, और पूरा देश प्रधानमंत्री जी इस देश में क्या करा रहे हैं, मंत्रियों के घर किस तरह से दिन रात छापे पड़ा रहे हैं, किस तरीके से एक सरकार को परेशान किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है कुछ तो बताएगी, आप सब तो पत्रकार हैं, वो ही बासी 2 महीने पुरानी कहानी जो इनका हर प्रवक्ता रटकर टीवी पे आ जाता है, वही कहानी, वही 45 करोड़, वही 30 लाख 30 करोड़, वही गोलमोल गोलमोल गोलमोल, कोई नई चीज इनके पास अब तक। ये कहानी तो वो कहानी थी जो 2 महीने पहले इन्होंने सुनानी शुरू की थी, उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली,
आपने कितने जगह छापे मार दिए, आपने दुनिया भर के अंदर लोगों को बुला बुला के डरा लिया, धमका लिया, निकला क्या स्टोरी? तो आगे बढ़ी नहीं आपकी, आपकी स्टोरी तो वहीं की वहीं खड़ी है जहां दो महीने पहले थी। इससे एक बात साफ हो गई, प्रधानमंत्री जी के यहां इस बात को कहा जा रहा है कि अब अगर निपटना है तो अरविंद केजरीवाल से निपटो। अब टारगेट नंबर वन प्रधानमंत्री जी के लिए अरविंद केजरीवाल है, और ये बात आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर वन, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर वन अरविंद केजरीवाल हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी, आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के संघीय ढांचे में देखिए इसको सदा बढ़ाने का काम करें। मैंने एक नियम बनाया है, आप सबको बता देता हूं, जो बदतमीजी से सवाल करेगा उसके सवाल का जवाब नहीं देना, वरना क्या है कि मैं उनकी बदतमीजी को एक्नॉलेज कर रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि आप बदतमीजी करिए और हम आपका जवाब देंगे। तो ये जो बदतमीजी भरा सवाल है अनुराग ठाकुर को, मैं इसको इस लायक नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। लेकिन उन्होंने 24 घंटे का चैलेंज भी दिया है और ये कहा है कि आपकी बेस्ट पॉलिसी को आप लोगों ने क्यों हटा दिया और क्यों दूसरी पुरानी पॉलिसी आपको लानी पड़ी, क्या ये सीबीआई का डर था? इस पॉलिसी को क्यों हटाया गया, क्यों लाया गया? मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, जब इस पॉलिसी को रोल बैक किया गया उन्होंने प्रेस वार्ता करके किया, कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे इस पॉलिसी को वापस कर दिया। अनुराग ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूं 24 घंटे देश के बर्बाद मत कीजिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा देख लीजिए, 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको भी जानकारी हो जाएगी। सब चैनल के ऊपर वो लाइव आई थी, अभी यूट्यूब के अंदर पड़ी है, अनुराग जी देख लें उसको। और कोई सवाल? टाइम्स नाउ से देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मनीष सिसोदिया से सवाल पूछे जा रहे हैं, केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। कहना चाहता हूं आज विषय क्या है, विषय शराब घोटाला है, शराब का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर वन है, आरोपी नंबर वन है, किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले से हटकर दुनिया भर की बातें कर दी, शराब घोटाले पर एक शब्द मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाए। देश की जनता सवाल पूछती, मीडिया सवाल पूछता है कि शराब घोटाले पर क्या, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों की, जवाब नहीं। 25 अक्टूबर का नोटिस आपके ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने किस किस को दिया, आपको मैं पढ़ के बता देता हूं किस किस को दिया है, आपको पता है? उन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कार्टल कंपनियों को, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को 25 अक्टूबर को। क्या कार्रवाई की उसके बाद? कोई नहीं। 144 करोड़ रुपया आपने किसके कहने पे वापस किया, 30 करोड़ रुपया किसके कहने पे वापस किया? अगर ये शराब कंपनियों के ठेकेदारों के खाते में गया, उनको वापस किया, तो आपको कितना मिला जरा बताएं। एक सवाल का जवाब आज नहीं दे पाए, उल्टे पांव मनीष सिसोदिया भागते नजर आए। किस बात का डर है, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? इनका जवाब हम लेकर रहेंगे, जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा, जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। धन्यवाद। नीरज पांडे, एबीपी नीरज पांडे। जी, 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 जी। मैंने कल करीब एक दर्जन चैनल्स को वन टू वन इंटरव्यू दिए हैं और इसमें इनके जो तीनों चारों सवाल हैं उनके जवाब मैंने इसके अंदर दिए हैं।
मेरी जब जब बहस हुई, मेरी बहस गौरव भाटिया से हुई है, मेरी बहस शहजाद से हुई है, मेरी बहस मनोज तिवारी जी से हुई है, मेरी बहस क्या कहते हैं ये जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, आदेश गुप्ता, इनसे हुई है। और मैंने सब में इनके जवाब दिए हैं और मैंने इनसे पूछा है कि भाई अगर कोरोना के समय आपने नहीं दिया वेवर तो आप बता दीजिए एमसीडी में आपने नहीं दिया, रेलवे ने कोरोना के समय लॉकडाउन पीरियड का वेवर नहीं दिया तो आप कह दीजिए ना ऑन रिकॉर्ड हमने नहीं दिया, इन्होंने दिया तो ठीक दिया, मनीष सिसोदिया ने दिया तो भ्रष्टाचार है। अब इस चीज को किस तरह से और समझाया जा सकता है, ये तो मतलब एक झूठ को बार बार रिपीट करने वाली बात है और इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं कई घंटों आप लोगों के साथ बैठ के तैयार हूं, मैं इनके सारे के सारे जवाब सिलसिलेवार दे सकता हूं, मगर समस्या ये जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, कल हमने इंटरव्यू में भी दिए हैं, मगर दिक्कत यह है कि इनको ये जवाब सुनने नहीं है, इनको बस अपने सवाल जो है बार 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 जो है वो बोलने है। और कोई पूछे तो जिनको आप 2024 का ऑप्शन बता रहे हैं उन अरविंद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड बता दिया है घोटाले का, बीजेपी कह रही है वो असली मास्टरमाइंड किंगपिन। अब वो भारतीय जनता पार्टी देखिए खुद ही पोजीशन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के अगेंस्ट, हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद मदद कर रहे हैं। और ये क्या है, भगवान कराता है, भगवान प्रकृति इस तरीके के सारे तरफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि जिस ऑप्शन की तलाश बार बार की जा रही थी कि कौन है वो ये खुद ही चिन्हित कर रहे हैं, ये हैं हमारे। और बताइए कोई विपक्षी एकता का जिक्र होता है जब भी इस तरह की जांच एजेंसी की कार्रवाई चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो चाहे टीएमसी चाहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो खंडित हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।